हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। अगर कभी मौका मिले तो विजिट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल सुबह के अभी बज चुके हैं 10:30 और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए मुनस्यारी, संजय और मैं। बाकी सुबह सुबह नेहा का काम चल रहा है गाय बच्चों को पानी पिलाने का, तो लाली अभी पानी पी रही है। किटू वहाँ खेत में घूम रहा है, पापा जी धूप सेक रहे हैं, जा रहे हैं पापा। ओके बाय बाय नेहा। बाकी मम्मी घूम के आ रही है सुबह सुबह और रोड में पहुंची है। संजय गेट खोल दे फिर मामू चल रहे। ओके मम्मी बाय। तो धूप देखो काफी ऊपर आ गई है और हम लोगों को ना काफी लेट हो गया क्योंकि संजय ने ना आज नहाने में देर कर दी थी। सुबह से लाइट तो थी नहीं, कह रहा था मामू नहा के ही चलेंगे। हाँ नहाया नहीं भाई देखो, और आखिरी में इसने नहाया ही नहीं। क्यों नहीं नहाया? लाइट नहीं है भाई, लाइट से पानी का क्या लेना देना, पानी आ रहा था ठंडे ठंडे पानी से नहा लेता। ताज मॉर्निंग। नमस्कार बुला। तो फिलहाल हम पहुंचे हैं अभी बिरथी फॉल अपने वीरू भाई के पास, अटकू झटकू पहाड़ से बनी जाए इसको घुमा के ले आते चली है यार। अरे जय हो तमर, चल रहा है अमर? बढ़िया यार, तू बता। पट रहे हैं दिन। बिल्कुल गलत बात है ब्लॉगिंग करना, पैसे कमाओ ब्लॉगिंग करके। गुड, चल ठीक है फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है ओके। तो फिलहाल अभी हम लोग रातापानी से काफी ऊपर आ गए हैं। बाकी यहाँ पर से जो नीचे का व्यू दिखाई दे रहा था ना, मैंने सोचा एक बार आप लोगों को भी दिखाते हैं। बहुत ही शानदार सा व्यू दिखाई दे रहा है। ये पड़ा गिनी गांव और यहाँ गिर गांव, वहाँ बला ला झेकला और डोर। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते चलते पहुंच गए हैं कालामुनी में, माँ काली के मंदिर के पास। तो एक बार दर्शन कर लेते फिर चलेंगे मुनस्यारी को। सबसे पहले बजरंग बली जी, जय हो बजरंग बली जी, जय माँ काली, जय माँ काली। सबको सद्बुद्धि देना, सबकी रक्षा करना माँ, जय हो। तो इस बार ना पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं अपनी पूरी लाइफ में आज पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि पंचाचुली पीक्स के ऊपर बर्फ ना के बराबर है। अदरवाइज इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। नहीं आजकल बारिश हो रही है और ना ही बर्फबारी, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं ऐसा माहौल में पंचाचुली पीक का पहली बार देख रहा हूँ कि बर्फ ना के बराबर है। गुड़ खा के अभी आते हैं मुनस्यारी से, वापसी में मिलेंगे फिर चाचा से ना। बहुत पहले ना मैं यहाँ बर्फ में अटक गया था तो चाचा ने हेल्प करी थी मेरी उस दिन। यही गाड़ी थी ना? हाँ यही गाड़ी थी उस दिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। तो हमारे चाचा जी का कहना है कि जो ये आप आजकल का मौसम देख रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग का एक नतीजा है ना चाचा? बिल्कुल सही है, दो ढाई इंच बर्फ होती है यहाँ पे ना कालामुनी में। तो इस बार देखो एकदम सूखी धूप है और ऊपर हिमालय भी सूखे सूखे से लग रहे हैं। और जहाँ पर हम लोग अभी है ना कालामुनी में, तो चाचा कह रहे हैं इस टाइम पे यहाँ पे मतलब हर साल 2 से 2.5 फीट बर्फ गिर ही जाती थी, मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। कालामुनि सामने रहा और वहां से चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं बिटुली धार। बाकी देखिए अब यहां से नीचे मुनस्यारी का मार्केट भी दिखाई देने लग गया है और सामने देखिए बहुत जगह आग लगा रखी हुई है, धुआं धुआं हो रहा है पूरा एरिया। और पंचाचुली में इतनी कम बर्फ होना ना हम सभी के लिए बहुत ही बुरा संकेत है। और जितना हम लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं ना, इसी वजह से शायद बारिश भी नहीं हो पा रही है और बर्फबारी भी नहीं हो पा रही है। इससे क्या हो जा रहा है ना, जब बर्फ पड़ने का टाइम होता है तब बर्फ नहीं पड़ रही है और जब बारिश पड़ने का टाइम होता है तब बारिश नहीं पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम सभी हैं जो ऐसे जंगलों में आग लगाते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो जंगलों में आग लगा रहे हैं वही गलत है, जो देख रहे हैं और जो उन्हें समझा नहीं रहे वो भी गलत है मेरी नज़र में। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के आसपास ऐसी कुछ घटनाएं घट रही है तो आप उन लोगों को समझाइए कि जंगलों में आग लगाना सभी के लिए हानिकारक है, और आप लोग अगर लगाते हैं तो आज के बाद ऐसा ना करें क्योंकि ना ये सारी चीज़ें बहुत ही दुखदायी होने वाली है हम सभी के लिए।
और जीता जागता सबूत पंचाचूली पीक्स के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप लोग कभी घूमने आए हो तो पंचाचूली पीक्स के ऊपर हमेशा बहुत ज़्यादा बर्फ रहा करती थी, मगर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि इसमें ना के बराबर बर्फबारी है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही गलत संकेत है। अब थोड़े दिनों में अगर गलती से बारिश या बर्फबारी हो भी गई तो नॉर्मल वाली नहीं होगी, बल्कि ओले पड़ेंगे, और उससे होगा क्या, जो हमने फसल बो रखी है ना वो तो वैसे ही सूख गई है, और जो सूखी हुई फसल है वो भी ओले पड़ने की वजह से ख़त्म हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए हानिकारक होने वाला है। जंगलों में आग लगाने की वजह से ना ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। आज तो फिलहाल हम लोग साफ और स्वच्छ पानी पी रहे हैं, मगर ऐसा ही मौसम रहा, ऐसा ही हाल रहा, अगर हम ऐसी गलतियां करते रहेंगे, जंगलों में आग लगाते रहेंगे या इस टाइप की कुछ और भी गलतियां करते रहेंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। तो प्लीज़ फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा काम ना ही करें, ना ही किसी को करने दें। और काफ़ी लोग गांव घरों में ऐसा सोचते हैं कि जो उनके घास के मंगे होते हैं उनमें आग लगा के अगली बार जो है घास अच्छी उगी है, तो कुछ फ़ायदे के लिए ना इतना बड़ा नुकसान ना ही करें तो बेहतर है। काफ़ी लोग जंगलों में जाते हैं और शिकार करने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं, ताकि जंगली जानवर जो है इधर उधर भटके और आसानी से वो उनका शिकार कर सके। तो प्लीज़ वो बेजुबान है, मासूम है, उनका शिकार ना करें और ऐसे जंगलों में आग ना लगाएं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, नहीं तो नतीजा आप लोग देख सकते हैं, इस बार इतना लेट हो गया है, बर्फबारी भी नहीं हुई है और बारिश भी नहीं हुई है, और वो दिन दूर नहीं जब पीने का पानी भी नहीं होगा। और आप लोग समझ सकते हैं कि सब पर संकट बहुत ही बड़ा वाला आने वाला है। अब थोड़ा बहुत भांजे साहब आए हैं तो इनका फोटो शूट करते हैं, क्यों मामू, है ना, करना तो पड़ेगा। और बाकी अभी हम लोग हैं बिटुली धार में, और जो ये खड़ंचा आप लोग देख रहे हैं ना, ये जाता है थामरी कुंड को। और पिछले साल जब बर्फबारी हुई थी तो मैं थामरी कुंड गया था, अगर आप लोगों को वो ब्लॉग देखना है बर्फबारी में थामरी कुंड का, तो वो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। और बर्फबारी के अलावा भी जब चौमास बोलते हैं पहाड़ों में हरियाली यानी बरसात के दिनों में, तब भी थामरी कुंड गया हुआ हूँ, बहुत ही बढ़िया सी लोकेशन है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो वो ब्लॉग भी देख सकते हैं। तो वैसे तो हम लोग घूमने आए थे, मगर यहाँ की कंडीशन देख के ना थोड़ा मन अजीब सा हो गया है। बाकी अब चलते हैं हम लोग यहाँ से मुंशारी की ओर, और भांजे के साथ थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, सीरियस वाली बात है यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब सिर्फ इंजॉय करेंगे, क्यों मामू। तो मुंशियारी पहुंचने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नंदा देवी टेम्पल डाणाधार, जय माँ नंदा देवी। तो ये है माँ नंदा देवी मंदिर का दूसरा गेट, प्रवेश द्वार, और यहाँ को देखिए गाय भी बांधे हुए हैं और घास का लुट्टा भी है, बढ़िया सी लोकेशन है। कैसा लग रहा है फिर संजय? बहुत बढ़िया। हाँ, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, आज संजय मुंशियारी पहली बार आ रहा है ना, तो वहाँ पे देखिए बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, और साथ ही मेरे को यहाँ की सबसे अच्छी बात लगी ये चिड़ियों के लिए घर बना रखा भाई साहब, बहुत ही बढ़िया काम। और यहाँ पे देखिए मंदिर के पास जामिर भी लगे हुए हैं, जय मानंदा भगवति जय हो। तो देखिए जिस पंचाचूली की बात मैं आप लोगों को कर रहा था ना, वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। पंचाचूली पांचों भाई पांडवों व पांचाली सहित विराजमान है, इसलिए इन पर्वत श्रेणियों को पंचाचूली कहा जाता है। मुंशियारी आगमन पर पंचाचूली पर्वत, छिपला कोट पर्वत, राजरंबा पर्वत, हंसलिंग पर्वत, कैलाश द्वार व बद्रीनाथ द्वार दर्शन होता है। बाकी अब हम लोग चले यहाँ को, भांजा बहुत बेकरार है। ओ भणीज, वापसी घर भी जाना है। हाँ ना, झूल ले, आ ले तू झूल ले, क्या याद करे, वो जवाना चले गया झूलने वाला, तेरा पाला पड़ा था, झूल झूलने वाला जवाना चले गया, झूलना ना, अरे झूल गाइस। हाँ, कौन फोटो खिंचा रहा होगा? संजय
इतनी फोटो खिंचा दी भाई, इतनी फोटो खिंचा दी ना, बाप रे भाई। फोटो शूट करने के लिए इस टावर में ही जाना जरूरी है? अगर मैं सारी फोटो डिलीट कर दूं तेरी तो? कोई बात नहीं, घर तो मेरी साथी आने हाँ, अब पता चल गया होगा कौन फोटो खिंचा रहा है कौन नहीं। ओ यूं पड़ा पार्टी में सुआ, यूं पड़ा पार्टी में, ओ कलजा काटी राखी ध्यूलो तेरे बाटी में। तो कैसा लग रहा है यहाँ ऊपर आके? तो यहाँ से आप लोगों को सामने मुंशारी का मार्केट देखने को मिल जाता है, और चारों ओर का बढ़िया सा व्यू भी, जो आज तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, मगर बरसात के दिनों या और टाइम बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए एक बढ़िया सी डिज़ाइन भी बनाई हुई है, और इसमें शायद उन्होंने कुछ बोया होगा। यहाँ पे सब्जी बो रखी है, वहाँ पे भी बढ़िया सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। संजय कैसा लग रहा है? अजीब जैसा चिताई दे रहा है। अल्ले तो आए थोड़ी देर पहले, बात पा नंदा देवी गए हूँ वहाँ पे, सीधा जाए आ गए, अब वापसी सीधा ना ना आप घर। तो मंदिर से आने के बाद अभी हम आ गए हैं होटल में खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लग गई थी। बाकी जिनके होटल में हम अभी खाने के लिए आए ना, वो रिलेटिव है, रिश्तेदार है, मतलब तो जान पहचान है, तो उनके पास आए हैं अभी। तो फटाफट से खाना वाना खाएंगे फिर निकलेंगे घर के लिए। जी फिलहाल अभी हम लोग चलते चलते पहुंच गए हैं गिनी बैंड कम्मू भाई के पास, रेस्टोरेंट। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, सुबह हमारे पास एक ही हेलमेट था तो हेलमेट इनसे लिया था संजय के लिए। सुर्खिया 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 आज ऐसे ये हेलमेट देने के लिए। अच्छा, हेलमेट देने के लिए धन्यवाद। और बाकी का सब बढ़िया? अभी बाकी सही है, सब बढ़िया भाई। खुशखबरी जल्दी कब आने वाली है? कितने महीने बाकी है? बस कुछ दिन। तो भाभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बुला। चल फिर होती है मुलाकात। हाँ थैंक यू। तो देखिए जैसे हम लोग घर पहुंचते हैं, यहाँ पर किट्टू महाराज, ए इधर आ किट्टू, ले ले ये देखो। तो चलिए जी घर पहुंच गए हैं, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।